जी, आज इकाना में मैराथन का आयोजन हुआ है, क्या कहना चाहेंगे, ये भीड़ क्या कहना चाह रही है? देखिए, ये भीड़ नहीं है, प्रियंका गांधी जी का जो नारा है, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, उस नारा को इंस्पायर होके लोग आया है। जो ये वर्तमान का सरकार ने किस तरीके के जो लड़की के ऊपर, महिला के ऊपर किस तरीके का जो व्यवहार हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, आपको पता है। जो प्रियंका गांधी जी आतरास घटना हो, मिर्जापुर हो, लखीमपुर खीरी हो, हर जगह इस महिला को बचाना चाहता है, उनको आगे करना चाहता है, उनका टैलेंट को बाहर लाना चाहता है। एक विजनरी लीडर है प्रियंका गांधी जी, ये सरकार टेलीविजनरी लीडर। श्रीनिवास जी, एक छोटा सवाल और है कि प्रियंका गांधी जी लगातार महिलाओं को सशक्त करने की बात करती हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कहती है कि इनको तब याद नहीं आई जब इनकी सरकार थी, कैसे देखते? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहाँ चला गया? बेटी किससे बचाना? बीजेपी नेता से बचाना है क्या? नाम चेंज करने में माहिर लोग है, इसका भी नाम चेंज करना चाहिए। अभी ये लोग ने लैपटॉप बांट रहे, 4.5 साल कहाँ चले गए थे ये लोग? हाँ, जब प्रियंका गांधी जी आएगा, परमिशन नहीं देगा, मैराथन नहीं होगा, प्रोग्राम नहीं होगा, इस तरीके का हरकत है हो रहा है। तो बिल्कुल, ये थे श्रीनिवास, इनका साफ तौर पर कहना है कि कांग्रेस और प्रियंका गांधी महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही हैं, और 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद जब कांग्रेस सरकार बनेगी तो महिलाओं को एक अलग विजन के साथ सरकार में हिस्सेदारी मिलेगी। बहरहाल, देखने वाली बात यह होगी कि आखिर 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को महिलाओं का कितना साथ मिलता है। रुजन बाबूलाल के साथ अभिषेक पांडे, डेली इंसाइडर, लखनऊ। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।